नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। देश के 4 राज्यों और 49 जिलों को मिलाकर एक प्रदेश बनाने की मांग राजस्थान के बांसवाड़ा से उठी। दरअसल नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति धाम की ओर से आयोजित किए गए बड़े जनसभा में एक बड़ी मांग रख डाली है, जहां अब इस मांग के बाद से ही तमाम मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान के तमाम आदिवासी अब एक्टिव हो चुके हैं और वो एक्टिव भी एक बड़ी मांग को लेकर हो चुके हैं। वो मांग है कि इन तमाम राज्यों को मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जाए, इसमें 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए। ऐसे में राजकुमार रौत की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद भी लगातार राजस्थान के सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएँ देखने को मिल रही है। अब ये मांग उठी क्यों है, ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर झारखंड और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो इसके कई सियासी कारण थे, जहां भौगोलिक भी एक बड़ा कारण था तो आर्थिक और पिछड़ापन भी। ये सभी राज्य पहले भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तारित थे। ऐसे में बड़े राज्य होने के साथ साथ राज्य सरकार चाहकर भी इन तमाम प्रदेशों के सभी भागों को समान रूप से विकास नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि बड़े राज्यों को बांटकर छोटा किया जा सके। और जिसके बाद भी एक सवाल ये था कि क्या राज्यों को छोटा करने के बाद भी सरकार उनका समान रूप से विकास कर पाए या नहीं। क्या झारखंड के हर इलाके को आप रांची जैसा डेवलप कह सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा आज भी रायपुर की तरह विकसित कहा जा सकता है? क्या उत्तराखंड और तेलंगाना का भी चप्पा चप्पा समान रूप से विकसित है? इसमें गलती किसकी, राजनीतिक दलों की या जिस वोट की राजनीति के बूते उनकी पार्टी चल रही है उनकी, या फिर उन नेताओं की जिन्हें आदिवासियों का वोट तो चाहिए पर उनके उत्थान के लिए वे आज दिन तक कुछ कर ना पाए, भले ही वह खुद नेता आदिवासी क्यों ना हो। अब लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के कुछ जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की मांग उठी है, तो बाकी पार्टियां और सत्ताधारी दल इस मांग को लेकर खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जाति के आधार पर अलग प्रदेश नहीं बनाया जा सकता, ये मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये मामला केवल जाति का नहीं, क्षेत्र का पिछड़ापन और इसके चलते शिक्षा का उजाला वहां तक नहीं पहुंचना ये बड़ा कारण है। जिस तरह से इलाकों में अभी तक भी शिक्षा नहीं पहुंची है, ये बहुत बड़ा कारण फिलहाल माना जा रहा है, और बल्कि कारण ही नहीं सबसे बड़ा कारण फिलहाल शिक्षा को माना जा रहा है। अब ऐसे में राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत, जिससे युवा को आदिवासियों ने जिताकर दिल्ली की संसद जरूर भेज दिया है और अपने क्षेत्र का विकास अब आदिवासी खुद ही करना चाहते हैं और अपने तरीके से वे चाहते हैं कि हमारे इलाके का विकास हो, जहां सालों दर सालों उनके जनप्रतिनिधियों के अन्याय का शिकार होने और होते रहने के कारण का गुस्सा आज फूटता हुआ नजर आ रहा है। और अलग आदिवासी प्रदेश की मांग वो गुस्सा ही है। दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं और सत्ता किसी जाति या समाज का गुस्सा फूटने का इंतजार करती रहती है, और तब उससे पहले इस क्षेत्र के आदिवासियों ने ये गुस्सा फूट कर बड़ा ऐलान कर दिया है। और ये गुस्सा फूटना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से अब तक आदिवासियों के साथ बांसवाड़ा के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों में भी जो बर्ताव उनके साथ किया, उसके बाद उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक माना जा रहा है। अब ऐसे में इस छोटी सी चिंगारी ने बड़ा रूप राजस्थान के साथ साथ तमाम अन्य 3 राज्यों में भी ले लिया है। अब ऐसे में आप लोगों की क्या राय है कि क्या भील प्रदेश बनना चाहिए या नहीं? आज का जो कार्यक्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से भील प्रांत बनाया जाए, लेकिन इतिहासकारों ने अलग से भील प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ, लेकिन ये जो भील प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है और ये भील प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।